आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि अगर आप लोग भाजपा को हराना चाहते हैं तो उनके साथ, उनके भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। देखिए, ये हम नहीं तो सभी लोगों को मालूम है कि वो उनको कौन यहाँ लेके आया है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो किसके वजह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। और हम लोग चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या किसी अन्य की पार्टी। आज सम्मेलन कर रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे जब ब्राह्मणों को ठोका जा रहा था? अगर ये आज ये लोग इस तरीके का सम्मेलन कर रहे हैं तो ये धोखा दे रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। ये वोट, इनका मकसद सिर्फ उनका वोट हासिल करना है। आज भाई जिस वक्त विकास दुबे को मारा गया किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ब्राह्मणों को मारा गया, 37% इनकाउंटर जो हुए हैं उसमें मुसलमानों के हुए, कोई आवाज़ नहीं। 10% आबादी ब्राह्मण की है, 20% आबादी मुसलमानों की है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव खामोश है, जिन्होंने 4 बार हुकूमत बनाई हमारे वोटों से। BSP खामोश है, चूंकि इनको मालूम है कि अब मुस्लिम वोट उधर जाने वाला नहीं, तो अब ये लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि ब्राह्मण भी इनको वोट डालने वाला नहीं है।